गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी युद्धपोत और एक ब्रिटिश जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशंस ने हमले की पुष्टि की है। 19 नवंबर को पहली बार हूती विद्रोहियों ने रेड सी में एक कमर्शियल शिप को हाईजैक कर लिया और उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता ही गया। अभी के अमेरिका और ब्रिटेन की शिप्स पर हुए हमले सबसे ताज़ा हैं। इसी के साथ अमेरिका के हूती विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए बनाया गया बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन प्रॉस्परिंग गार्डियन पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जो अमेरिका ने रेड सी में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए लगभग एक महीने पहले बनाया था। बहरहाल, क्यों हो रहे हैं रेड सी में ये हमले? कौन है हूती विद्रोही? क्या है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से इनका संबंध और कैसे ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सरदर्द बन गए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द साची, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। जानेंगे ये सब आज के इस एक्सप्लेनर में। इन सब में सबसे पहले मिडिल ईस्ट के एक देश यमन का नाम फ्रेम में आता है। हूतियों की कहानी यमन से अलग नहीं है। यमन मिडिल ईस्ट का एक देश है जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है। यमन के उत्तर में सऊदी अरब है, पूर्व में ओमान, पश्चिम में रेड सी और गल्फ ऑफ अदन और अरेबियन सी यानी अरब महासागर इसके दक्षिण में है। हूती यमन का ही एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने यमन के उत्तरी भाग में कब्जा किया हुआ है और साल 2014 से यमन गृह युद्ध की मार झेल रहा है। हूती और यमन सरकार लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ हैं। इस लड़ाई में आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस युद्ध में 150,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा 1.3 मिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक। हमें पता है गृह युद्ध के नतीजे क्या होते हैं, इतिहास उठाकर देख लें। श्रीलंका से लेकर हर तरह के सिविल वॉर मात्र तबाही लाते हैं और पैटर्न इनका ऐसा होता है कि या तो कोई दो कम्युनिटी या एक कम्युनिटी और सत्ता के बीच देश में ही युद्ध हो जाता है, जो गृह युद्ध की परिभाषा भी है। लेकिन हम इन सब की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से हूती विद्रोहियों का जन्म होता है। हूतियों की कहानी यमन के बिना बेमानी है। साल 1990 में यमन के शहर सईदा में एक रेबल ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम दिया जाता है द बिलीविंग यूथ। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। हुसैन बेदरदीन अल हूती इस संगठन का फाउंडर था। संगठन का मकसद था यमन में जायदी इस्लाम, जिसे जैदी भी कहते हैं कुछ लोग, उसकी फिर से स्थापना करना। जैदी इस्लाम शिया इस्लाम की ही एक ब्रांच है। दरअसल 1000 सालों तक यमन में जैदी राजाओं का शासन था, लेकिन साल 1962 में ये अंत हो जाता है जब जैदी के आखिरी राजा का कत्ल कर दिया जाता है और इसी के साथ सत्ता पर सैन्य ताकत काबिज होती है। लीडर का नाम अली अब्दुल्ला साले। इनको सपोर्ट मिलता है सऊदी अरब से। सऊदी अरब सुन्नी बहुल राष्ट्र है और अब यहीं से मध्य पूर्व का एक और देश फ्रेम में आता है, ईरान। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान शिया बहुल देश है, दुनिया ये बात जानती है। हालांकि ईरान और हूती दोनों ही इस बात से लगातार इनकार करते रहे हैं, लेकिन एक वक्त में कमज़ोर मिलिटेंट ग्रुप के पास आज खुद की मिसाइल्स और आधुनिक हथियार भी हैं। सवाल ये कहाँ से आते हैं? ईरान अमेरिका की लड़ाई का हमें पता ही है। अमेरिका भी यमन सरकार की मदद हूती विद्रोहियों के खिलाफ करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में हूतियों को आतंकवादी समूह घोषित करने की घोषणा की थी। हाल ही में एक बार फिर इन हमलों के बाद अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को आतंकी समूह घोषित किया है। यमन की लड़ाई, उसमें ईरान की एंट्री, सऊदी अरब से उसकी लड़ाई, उसमें अमेरिका की एंट्री और अब रेड सी पर हमले से दुनिया भर की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें भारत भी आता है, उन पर खासा असर। ये सब कुछ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट बनाता है। बहरहाल, कहानी में पीछे जाते हैं। जब सत्ता पर सैन्य ताकत बैठती है, उसे सऊदी अरब की मदद मिलती है और जैदी समुदाय हाशिए पर चला जाता है और इस ग्रुप बिलीविंग यूथ का निर्माण होता है। ग्रुप के फाउंडर के नाम पर ही इन विद्रोहियों ने अपने मिलिटेंट ग्रुप का नाम हूती रखा। ये विद्रोह यमन सरकार के खिलाफ खुलकर चलता है और धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। इस लड़ाई में साल 2004 में यमन सरकार द्वारा हुसैन बेदरदीन अल हूती की हत्या कर दी जाती है, जिससे लड़ाई थमने की बजाय और भी ज़्यादा उग्र और ब्रूटल हो जाती है। उसके बाद हुए युद्ध में सऊदी अरब की मदद के बावजूद यमन सरकार हूती विद्रोहियों से युद्ध हार जाती है। और अगर आज की बात करें तो आज की तारीख में यमन का एक तिहाई हिस्सा यानी
70 से 75 फीसदी की आबादी पर हूतियों का कब्जा है। ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर इसका एक महत्वपूर्ण एंगल है, कारण हमने जान लिया है। इन सब में यमन के हालात कैसे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन, भूखमरी और गरीबी से जूझता यमन इस युद्ध की भेंट चढ़ गया है। देश अपनी 70 फीसदी से ज़्यादा की ज़रूरतों के लिए बाहरी मदद पर आश्रित है। ये तो हूतियों का बैकग्राउंड और यमन पर इन सब के असर की बात थी। अब रेड सी का मामला आता है। दरअसल रेड सी मैरीटाइम बिजनेस का महत्वपूर्ण स्पॉट है। यहाँ स्थित सुएज कैनाल समुद्र को यूरोप से जोड़ती है, मैप में आप देख सकते हैं। इसीलिए ये जगह व्यापार के लिए बेहद ज़रूरी मानी जाती है। दुनिया भर का 12 फीसदी व्यापार इसी रूट से होता है। ऐसे में इन हमलों से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। कई देश अपने रूट बदल रहे हैं, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा खर्चा लग रहा है। लेकिन हूती यहाँ हमला कर क्यों रहे हैं? इसका जवाब बेहद सीधा और सरल है और जुड़ा हुआ है इसराइल फिलिस्तीन के युद्ध से। हूती इस लड़ाई में फिलिस्तीन का सहयोग कर रहे हैं और ये इसलिए हो रहे हैं हमले ताकि इसराइल को कोई भी मदद ना पहुंचाई जाए। साथ में उन्होंने फिलिस्तीन को मदद पहुंचाने की बात भी कही है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हाल ही में ईरान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का दौरा भी हुआ था। इन सब में पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। अब देखने वाली बात है कि भारत इन सब से कैसे डील करता है और क्या होती है उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी। हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको हूती विद्रोहियों, मिडल ईस्ट और भारत के बारे में, उसके रिलेशंस के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इसी तरह का और भी कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में और किन मुद्दों पर वीडियोस देखने हैं उसे कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।